बिहार बोर्ड इंटर पास स्कॉलरशिप 2022। जी हाँ दोस्तों, आ गया खुशखबरी, बहुत जल्द सभी छात्रों के खाते में जाएंगे 25,000 रुपये। दोस्तों जाने कौन से छात्र को मिलेंगे पैसे, वो भी 25,000 की राशि। दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आज की इस वीडियो में सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाला हूँ। चैनल पर न्यूजर है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। बिहार बोर्ड के छात्र हैं, यदि आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं और आप वर्ष 2022 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा दिए हैं तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, यह वीडियो आपके लिए है। आप सभी के लिए बिहार सरकार के द्वारा 4,00,000 से अधिक छात्र एवं छात्राओं को स्कॉलरशिप के रूप में 25,000 रुपए सभी छात्र छात्राओं के बैंक खाते में दिए जाएंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा ध्यान से पढ़ें। दोस्तों बहुत सारे छात्र एवं छात्राओं के खाते में मन में यह सवाल चल रहा है कि आखिर बिहार सरकार के द्वारा जो दिया जा रहा है राशि, कौन कौन से छात्र एवं छात्राओं को दिया जाएगा, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी प्रदान करने वाले हैं। बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत वर्ष 2022 में इंटरमीडिएट पास करने वाले वह छात्र छात्राओं को दिया जाएगा जो कि अविवाहित है, यानी कि दिल का शादी नहीं हुआ, अभी मतलब कि शादी नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर सुनिए सब स्टूडेंट्स, उन्हीं छात्राओं को बिहार सरकार के द्वारा 25,000 की स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी, ठीक है। बिहार सरकार के द्वारा बिहार मुख्यमंत्री योजना के तहत सभी छात्र छात्राओं की राशि छात्रवृत्ति के रूप में 25,000 अगस्त महीने में सभी छात्राओं के बैंक खाते में भेज दिए जाएंगे। 25, जी हाँ दोस्तों, अगस्त के महीने में आप लोगों का सभी खाते में जो है 25,000 की राशि डाल दी जाएगी। अब यहाँ पर सुन लीजिए सभी स्टूडेंट्स जरूरी बातें, ठीक है। जैसे कि सभी छात्राओं को यह जानना बेहद जरूरी है कि बिहार सरकार के द्वारा यह जो राशि दिया जा रहा है किसके लिए, क्या दस्तावेज का जरूरत पड़ने वाला है, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले नंबर फर्स्ट, मैट्रिक एवं इंटर का मार्कशीट। सेकंड, आधार कार्ड। थर्ड, पासपोर्ट साइज फोटो। फोर्थ, जाति प्रमाण पत्र। फाइव, आय प्रमाण पत्र। सिक्स, यहाँ पर देखिए सिक्स, यहाँ पर देख सकते हैं बताया जा रहा है कि निवास प्रमाण पत्र। सेवन, अभ्यर्थी का सिग्नेचर और 8 ईमेल आईडी और 9 मोबाइल नंबर। ये सब 9 आप लोगों को क्राइटेरिया अपनाने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आप लोग अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दो। और कैसे आपको राशि चेक करना है यहाँ पर चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन पर भी जा सकते हैं, वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, तो वेबसाइट पर हम चलते हैं सबसे पहले। और यहाँ पर आप लोगों को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत यहाँ पर आप लोगों को आवेदन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लिस्ट, कई सारे लिस्ट जारी हुए हैं, पर यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 14 लिस्ट जारी हुआ है, ठीक है। आप इसमें अपना नाम चेक कर सकते हैं। और अगस्त में जो आप लोगों का लिस्ट जारी होगा वो 15वां लिस्ट होगा, ठीक है। तो 15वां लिस्ट जब जारी होगा अगस्त में, तो यहाँ पर आप आसानी से चेक कर सकते हैं अपना नाम, किन किन छात्रों को मिला है राशि, किन को नहीं मिला है, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आगे की प्रोसेसिंग खुल जाएगी। उसके बाद न्यू स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आगे की प्रोसेसिंग खुल जाएगी। उसके बाद अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो आप लॉगिन फॉर रजिस्टर पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को टिक कर देना है, ये पढ़ भी लेना है, ठीक है, टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पर जैसे टिक करते जाएंगे आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पहले आपको करना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पर टोटल मार्क्स डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट यानी अपना नाम डालना है, मैरिड हो, ठीक है, नहीं हो नो पर क्लिक कर देना है, इसको कुछ नहीं करना है छेड़छाड़। ना आधार कार्ड के अनुसार नाम डालना है, फीमेल हो, ठीक है, आधार नंबर डालना है और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देना है आधार कार्ड के अनुसार। उसके बाद वेरीफाई आधार नंबर पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई सक्सेस होने के बाद मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद ध्यान से सुनिएगा मैं बताने जा रहा हूँ, जो यहाँ पर आईएफएससी कोड डालना है, वो आईएफएससी कोड डालना है जो आपके नाम से बैंक अकाउंट होगा, ठीक है, बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है। उसके बाद कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड 4 अंक का दिख रहा है JTCK, ठीक है, यहाँ पर फिल कर देना है और प्रीव्यू V4 रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक लॉग यूजर आईडी और पासवर्ड जाएगा। पासवर्ड यूजर आईडी जाने के बाद आपको लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर स्टूडेंट पर क्लिक कर देना है, या तो लॉगिन पर भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर
हो सकता है 24 घंटे में पासपोर्ट जाए, हो सकता है 2 दिन भी लग जाएगा, 3 दिन भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है। तो जब तक आपका बैंक की तरफ से सारे प्रोसेसिंग वेरीफाई नहीं हो जाते तब तक आपको यूजर आईडी और पासवर्ड प्रदान नहीं किए जाएंगे। तो पासवर्ड आईडी पासवर्ड के लिए आप लोगों को बस इंतजार करना है, आपके मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर, मोबाइल नंबर पर ही जाएगा आपका पासवर्ड, ठीक है। ईमेल आईडी तो बहुत कम चांस होता है, मोबाइल नंबर पर ही जाएंगे आपके पासवर्ड, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।